गुड इवनिंग एवरीवन, माइनिंग ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज जो हम डीजीएमएस सर्कुलर का लेक्चर नंबर 5 देख रहे हैं, आज के इस लेक्चर में हम दो सर्कुलर्स कवर अप करेंगे। पहला जो सर्कुलर है वो है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड वुमेन इन माइंस, ठीक है। और दूसरा सर्कुलर आपका रहेगा अंडरग्राउंड कोल माइंस या फिर मेटल माइंस में अगर आप कोई डीजल इक्विपमेंट यूज करना चाह रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये जो सबसे पहला आपका दिया गया है विमेंस के एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग सर्कुलर, इसमें आपका दिया गया किसके लिए, टू ऑल ओनर्स एजेंट्स एंड मैनेजर ऑफ माइंस, ठीक है। इन सभी की अब जिम्मेदारी पर ये दिया गया इन तीनों की। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें क्या बोलता है कि अगर आप अपने माइंस में शाम के 7 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक एबव ग्राउंड या फिर ओपन कास्ट माइंस में, ठीक है, करना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई आपका अंडरग्राउंड माइंस है वहां पर आप विमेन्स को क्या करना चाह रहे हैं, विमेन्स को एम्प्लॉयमेंट में रखना चाह रहे हैं, तो उस केस में बोलता है कि जो ओनर है या फिर जो माइन मैनेजमेंट है उसकी जिम्मेदारी यह होगी कि वो एक एसओपी जो है तो प्रिपेयर करें कि भाई किस प्रकार से वुमेन्स का एम्प्लॉयमेंट किया जाएगा, वुमेन्स को किस प्रकार से रखा जाएगा। दूसरा आपका बोलता है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, डीजीएमएस ने कहा है, डीजीएमएस बोलता है कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर में आप वुमेन्स अगर आप अपनी आपकी माइंड में एम्प्लॉयड है, तो उस केस में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहला चीज तो वॉशरूम्स आपको अप्रोप्रिएट लोकेशन पे प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। दूसरा है आपका क्रश रूम आपको प्रोवाइड कराना है जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में आपके स्टाफ होने चाहिए, ठीक है। इसी के साथ ही रेस्ट शेल्टर्स आपको प्रोवाइड कराने हैं, ठीक है, जहां पर सिक्योरिटी होना चाहिए और वॉशरूम फैसिलिटी भी होना चाहिए, ठीक है। रेस्ट शेल्टर जहां पे विमेंस रेस्ट करेंगी तो वहां पे आपको सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह सेट करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये जो गार्ड्स हैं ये फीमेल होनी चाहिए, ठीक है, शेल्टर के साथ, ठीक है। आइसोलेटेड प्लेस में, मतलब किसी एकदम ऐसी जगह पर जहां पे पैक हो, कोई किसी का आना जाना न अलाउड हो, ऐसी जगह पे होना चाहिए। जहां पर भी विमेन्स काम करती है वहां पर आपको लाइटिंग प्रोवाइड करानी है, जिस रास्ते से वो जाएंगी और जो उनका रेस्ट रूम होता है वहां पे पर्याप्त लाइटिंग आपको प्रोवाइड करानी है, ठीक है। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन प्रोवाइड कराने हैं, ठीक है, जो कि बैक एंड सपोर्ट के थ्रू जो है तो कवर्ड होना चाहिए, ताकि बैटरी लाइफ, बैटरी अगर खत्म, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई अगर खत्म भी हो जाता है, कट भी हो जाता है, तो उस केस में उसको जो है तो वो टेलीविजन जो है तब भी बैटरी पे के बेसिस पर चलना चाहिए। फोन सेंसर्स इमरजेंसी अलार्म एट वर्क प्लेसेस पाथवेस एंड रेस्ट रूम, ठीक है, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करानी है, ठीक, कहाँ पर, वर्क प्लेसेस पे, रास्ते में और रेस्ट रूम्स में। इसी के साथ ही बोलता है कि सबसे बड़ी बात जो ये इसमें बोलता है कि सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के अनुसार जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी के अंडर में जो सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में जो पीनल्स हैं, पीनल कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जो दिया गया है कि भाई इस व्यक्ति ने अगर किसी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया तो उसको यह जो है तो ये सजा दी जाएगी। तो उस बेसिस पर बोलता है कि आपको ये सारी जो चीजें हैं वो आपको अलग अलग जगह पर लोकल लैंग्वेज पे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। जैसे कि आपने कॉलेजेस वगैरह में भी देखे होंगे आपका जो रैगिंग होता है, तो रैगिंग के रिगार्डिंग आपके पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है तो डिस्प्ले करके रखे जाते हैं अलग अलग जगह पर, ताकि सब पढ़े और जाने उसके बारे में कि अगर हम रैगिंग करेंगे तो क्या दिक्कतें हमें झेलनी पड़ सकती हैं। उसी प्रकार से सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में भी अलग अलग वर्क प्लेसेस पर आपको डिस्प्ले करना होगा, पोस्टर्स वगैरह लटकाने होंगे। फर्स्ट एड रूम जो है तो फीमेल नर्स के साथ होना चाहिए, फर्स्ट एड रूम अगर है तो वहां पर फीमेल नर्स प्रोवाइड कराइए, ठीक है। सेपरेट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देना है इनको, फीमेल्स को, जिसमें कि जीपीएस सिस्टम एनेबल्ड होना चाहिए, ठीक है। विमेन्स को कभी भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में काम नहीं करवाना है, अगर आप करवाते हैं तो उसके लिए आपको अलग अरेंजमेंट्स प्रोवाइड कराने पड़ेंगे ताकि वो आराम से काम कर सकें। अब देखिए, विमेन्स की जॉब की अगर बात करें कि विमेन्स क्या काम करेंगी, तो देखिए ये ओनर एजेंट और मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि वो विमेन्स के लिए वो ऐसी वर्क प्लेसेस आइडेंटिफाई करें, ऐसी जॉब्स आइडेंटिफाई करें
जो कि विमेन्स के हेल्थ के रिगार्डिंग एक वर्किंग एनवायरमेंट हो, सुटेबल हो, उनके काम करने के लायक हो, ठीक है, उनका कोई भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कभी भी डैमेज नहीं होना चाहिए, ऐसा काम इनको प्रोवाइड कराना है, ठीक है। प्लस इसी के साथ ही बोलता है कि विमेन को हजार्ड्स के बारे में बताना है, अगर किसी वर्क प्लेस में कोई हजार्ड है तो वहां पर विमेन्स को उसके बारे में बताना है कि भाई आपको इस हजार्ड में काम करना पड़ेगा, और अगर विमेन्स मना कर देती है कि हम काम नहीं करेंगे तो उनको काम नहीं दिया जाएगा। इस केस में ये बोलता है कि अगर विमेन्स ने से आप क्या कर लीजिए, रिटर्न में उनसे कंसेंट ले लीजिए कि भाई आप काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर उन्होंने डिप्लॉयमेंट के पहले रिटर्न में कंसेंट दे दिया कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, हजार्ड है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो उस केस में आप उनको जो है तो उस जगह पर काम के लिए भेज सकते हैं जहां पर भी हजार्ड वगैरह पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब रिलैक्सेशन की बात करते हैं, तो देखिए विमेन्स को बोलता है कि इनका रिपोर्टिंग टाइम में इनको रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, जो कंटिन्यूअस वर्क का ड्यूरेशन है उसमें रिलैक्सेशन दिया जा सकता है अगर नेसेसरी है तो। अब इसमें कौन कौन विमेन्स इंक्लूडेड है, एक तो प्रेग्नेंट विमेन, याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका कि आखिर जो रिलैक्सेशन है रिपोर्टिंग टाइम में और कंटिन्यूअस वर्क के ड्यूरेशन में उसमें कौन कौन सी विमेन्स को रिलैक्सेशन दिए जाते हैं, तो प्रेग्नेंट वुमेन को, लैक्टेटिंग वुमेन को, जो माएं ऐसी हैं जो कि दूध पिलाती हैं अपने बच्चों को, उन माओं को जो है तो रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और जो मंथली मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, जो इनके पीरियड्स आते हैं उस समय जो है तो इनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तीन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब यहां पर अगला बोलता है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ये ओनर की जिम्मेदारी होती है कि सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट वुमेन्स के लिए जो है तो वो प्रोवाइड करें। अब ये सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 के अनुसार जो है तो वो अपनी पूरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएगा, हर एक वुमेन को जो है तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा, वुमेन्स की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा इसके अनुसार, इस एक्ट के अनुसार, ठीक है। अगर विमेन्स को कभी भी ऐसी जगह पे भेजा जाता है काम करने के लिए जो कि बहुत ज्यादा आइसोलेटेड है, मतलब चारों तरफ से पैक है, बहुत दूर जगह पर है, ऐसी जगह पर अगर विमेन्स को काम करने के लिए भेजा जाता है तो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है तो लेकर फिर भेजा जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये बोलता है कि इनके लिए, विमेन्स के लिए एक हैंडआउट या फिर हैंडबुक दिया जाएगा कि अगर मान लीजिए कोई दिक्कत होती है तो ये उसमें जो है तो देखकर अपना लिख सकती है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ये किया। उसके साथ ही इनका प्रोविजन बनाया जाएगा, क्रेश का और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का जो है तो प्रोविजन वगैरह बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये मैनेजमेंट की और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होगी कि भाई वर्क एनवायरमेंट क्रिएट करें, एक अच्छा वर्क एनवायरमेंट क्रिएट किया जाए, ठीक है। और हर एक व्यक्ति की जो भी माइंस में एम्प्लॉयड है उसकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि विमेन्स की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। अगर आप विमेन्स को अंडरग्राउंड माइंस में सिक्स एएम से 7 PM के बीच में भेजते हैं तो उस केस में बोलता है कि आपको ग्रुप्स में विमेन्स को भेजना पड़ेगा, ठीक है, जैसा गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा उसके अनुसार। इंस्पेक्शन का शेड्यूल, अब देखिए जब भी किसी माइंस में वुमेन्स रहती हैं तो वहां पे इंस्पेक्शन रेगुलर बेसिस पे किया जाता है, जिसका एक चेकलिस्ट बना होना चाहिए ताकि कंट्रोल मेजर्स जो भी हैं इनके इम्प्लीमेंटेशन के, ठीक है। तो इंस्पेक्शन शेड्यूल, अब देखिए जो भी वुमेन्स के लिए हमने प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए हैं, कंट्रोल मेजर्स लिए हैं, तो उसका एक चेकलिस्ट, आपका इंस्पेक्शन आप शेड्यूल करेंगे तो उसका एक चेकलिस्ट होना चाहिए, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा उन कंट्रोल मेजर्स का इंस्पेक्शन किया जाएगा, ठीक है। रेगुलेटरी एजेंसीज जो कि स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की हो सकती है, इनके द्वारा इंस्पेक्शन किया जाएगा। उसके बाद द एम्प्लॉयर शैल सेंड अ फॉर्टनाइटली रिपोर्ट टू द रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस अबाउट द डिटेल्स ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज एंगेज्ड इन माइंस। अब जो एम्प्लॉयर है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हर 14 दिन में एक बार रीजनल इंस्पेक्टर को रिपोर्ट की जाएगी कि भाई हमारे माइंस में वुमेन्स काम कर रही हैं, ठीक है, और इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को भी रिपोर्ट देना है, और इसी के साथ ही लोकल पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है। रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर यह इंश्योर करेंगे कि विमेन जो है
SOPs हैं उनको सही तरीके से फॉलो किया जाए जा रहा है, ठीक है, ये देखने की जिम्मेदारी किसकी है, रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर की रहेगी। और अगर नहीं फॉलो किया जाता तो उस केस में माइन ओनर्स और माइन मैनेजमेंट के ऊपर जो है तो कार्यवाही की जाएगी, इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो इतनी बातें थी जो कि आपका वुमेन्स के रिगार्डिंग सर्कुलर में बोला गया था। अगला है आपका डीजल इक्विपमेंट इन अंडरग्राउंड कोल माइंस, कोल एंड मेटल माइंस, ठीक है, ये आपका दिया गया है किसको, ओनर एजेंट और मैनेजर को जो कि कोल और मेटल माइंस के हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग सेफ्टी प्रोविजंस आपके दिए गए हैं। तो सबसे पहला तो आपका बोलता है कि जनरल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, अगर कोई भी डीजल इक्विपमेंट, ठीक है, अंडरग्राउंड माइंस में आप यूज कर रहे हैं उसका कंस्ट्रक्शन बहुत बेहतरीन होना चाहिए, अच्छे मटेरियल से बना होना चाहिए, एडिक्वेट स्ट्रेंथ का होना चाहिए, किसी भी प्रकार का विजिबल डिफेक्ट तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए और उसका मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से किया जाना चाहिए। द डीजल इक्विपमेंट एंड ईच एसेसरीज एक्सेप्ट टायर्स शैल बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ नॉन इनफ्लेमेबल मटीरियल, ठीक है, डीजल इक्विपमेंट के जितने भी एसेसरीज होती हैं, ठीक है, किसी भी डीजल इक्विपमेंट को जो आप माइंस में यूज करने जा रहे हो उसकी हर एक एसेसरीज टायर को छोड़ के नॉन इनफ्लेमेबल मटेरियल का बना होना चाहिए। अगर कोई इनफ्लेमेबल मटेरियल है, ठीक है, तो उसके ऊपर नॉन इनफ्लेमेबल मटेरियल की कवरिंग आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, अज्वलनशील पदार्थ की कवरिंग आपको देनी पड़ेगी। तो अगला बोलता है आपका एर्गोनॉमिक डिजाइन होना चाहिए, इसमें बोलता है कि जो ऑपरेटर का केबिन है उसमें आपको एफओपीएस और आरओपीएस की सुरक्षा देनी है, ठीक है, एफओपीएस क्या है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर चारों तरफ बनाना है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरता है, ठीक है, ऑपरेटर केबिन के ऊपर, तो वो ऑपरेटर को बचा सके, उसकी जान बचा सके, या कोई चीज रोल होके आती है या आपका मशीन रोल ओवर हो जाता है तो उससे भी प्रोटेक्ट करने के लिए आपका ऐसा स्ट्रक्चर बना होना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं ना बड़ी बड़ी मशीनों में आपने देखा होगा, अंडरग्राउंड में तो उतने ध्यान से नहीं देख पाते हैं, ओपन कास्ट में जब अपन शॉवेल का जो ऑपरेटर केबिन होता है उसके ऊपर एक बहुत ही ऑपरेटर केबिन होता है, उसके ऊपरी साइड में क्या लगा रहता है, उसके ऊपर के साइड में जाली लगी रहती है लोहे की जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है कि कोई भी चीज ऊपर से गिरी तो ऑपरेटर बच सके, और दूसरा उसके कांच पे जो है तो जाली लगी रहती है, ठीक है, जो कि सामने से अगर कोई चीज रोल होके आती तो उससे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है, तो कैनोपी के ऊपर जो है तो बिल्कुल कैनोपी के ऊपर जो है तो लगा रहता है, ठीक है। हाँ, अब आपका जो पैसेंजर का कंपार्टमेंट है वो साउंड कंस्ट्रक्शन का होना चाहिए, अच्छा बना होना चाहिए पैसेंजर का कंपार्टमेंट, ठीक है, ऑपरेटर का एक्सेस सेफ होना चाहिए, पैसेंजर के भी कंपार्टमेंट्स में भी सेफ एक्सेस प्रोवाइड कराना है कि आराम से जाकर बैठ सके, जितने भी डीजल ऑपरेटेड इक्विपमेंट है क्लोज्ड केबिन माने में उन सभी में इमरजेंसी एग्जिट, हर एक केबिन में इमरजेंसी एग्जिट प्रोवाइड कराना है, ठीक है। जो डिजाइन है ऑपरेटर का स्पेस का वो फ्री मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि ऑपरेटर जब बैठे अपनी सीट पे तो उसके पास फ्री मूवमेंट होना चाहिए, उसका कंफर्टेबल ऑपरेटिंग पोस्चर होना चाहिए, मतलब जो उसका सिटिंग का उसका क्या बोलते हैं जिस प्रकार से वो बैठेगा तो उसका पोस्चर कंफर्टेबल होना चाहिए, उसको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो और फ्रीली मूव कर सके इधर उधर, ठीक है। सीट बेल्ट फिट किया जाना चाहिए हर एक ऑपरेटर के ऊपर और पैसेंजर्स के लिए, ठीक है, आपको जो है तो ऑपरेटर के लिए भी सीट बेल्ट प्रोवाइड कराना है, पैसेंजर्स के लिए भी सीट बेल्ट प्रोवाइड कराना है। नॉइस के लिए बोलता है कि 8 घंटे का जो साउंड परमिसेबल लिमिट है, ठीक है, वो 85 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए, अगर 85 डेसिबल से अधिक होता है तो उस केस में आपको पीपीई प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ठीक है। ऑपरेटर केबिन में जो कंट्रोल्स और डिस्प्ले सिस्टम होगा वो कैसा होगा, ऑपरेटर केबिन में जो कंट्रोल्स और डिस्प्ले सिस्टम होगा वो इस प्रकार का होना चाहिए कि ऑपरेटर को कंट्रोल तो, मतलब जैसे ही उसका मूवमेंट होता है किसी भी डायरेक्शन में वो उस मूवमेंट को तुरंत ही उसके बारे में बताए, ठीक है, जो हर एक कंट्रोल है उसके ऊपर मार्किंग्स देना है और मार्किंग्स के ऊपर क्या लगा रहना चाहिए, बल्ब लगा रहना चाहिए, जैसे आप देखते हैं ना सीट बेल्ट, ठीक है, या फिर इंडिकेटर जब देते हैं तो क्या होता है वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तो हर एक चीज की मार्किंग दी रहती है सीट बेल्ट की, इंडिकेटर्स की, हेडलाइट की, बाइक्स वगैरह में, उसी टाइप से वहां पर भी दिया जाएगा कि हर एक कंट्रोल का क्या होना चाहिए।
लाइट लगा रहना चाहिए ताकि ऑपरेटर जो है तो गेजर्स को देख सके, ठीक है, सेफ ड्राइविंग के लिए बिना कैप लैम्प को यूज करे, बिना कैप लैम्प को यूज करे जो है तो आराम से देख सके, इस प्रकार की लाइटिंग वहां पे प्रोवाइड करानी है। कंट्रोल लीवर्स के बीच का डिस्टेंस, फुट पैडल्स के बीच का डिस्टेंस, नॉब्स, हैंडल्स, ऑपरेटर के बॉडी और जितने भी मशीन के पार्ट्स हैं उनके बीच में एक ऐसा डिस्टेंस मेंटेन करना है कि आपस में कोई भी पार्ट मशीन का टकराने ना पाए, ठीक है। गार्ड्स एंड शील्ड्स की बात करता है अगला, जितने भी वाइटल कंपोनेंट्स हैं उनको डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको शील्ड प्रोवाइड करानी है। गार्ड्स और शील्ड आपको हर एक एग्जॉस्ट और टर्बो चार्जर में प्रोवाइड कराना ताकि फ्यूल या फिर ऑयल स्प्रिंग हॉट सरफेसेस पे ना होने पाए। जितने भी डेंजरस एक्सपोज मूविंग पार्ट्स हैं इक्विपमेंट के उनके ऊपर गार्ड आपको प्रोवाइड कराना है। जितनी भी पाइप्स हैं या होजेस हैं, होजेस मतलब पाइप होता है, मोटी मोटी ब्लैक कलर की पाइप्स होती हैं फ्यूल ऑयल की या फिर लुब्रिकेंट्स की पाइप्स होती हैं, उन सभी को कवर करके रखना है ताकि ऑयल का किसी प्रकार से लीकेज ना हो, किसी की चीज के कांटेक्ट में ना आए अगर ऑयल का लीकेज होता भी है तो, ठीक है। किसी भी मेटल सरफेस पर ऑयल ना फैले जहां पर टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। मान लीजिए भाई इंजन ही है, गर्म हो रहा है, वहां पर बहते बहते ऑयल चला गया तो आग पकड़ लेगा, तो उस चीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी है होजेस और पाइप्स को। ब्रेकिंग सिस्टम, अब ब्रेकिंग सिस्टम में तीन ब्रेक्स की बात करता है, सर्विस ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक, पार्किंग ब्रेक। सर्विस ब्रेक कब यूज होगा, ये जो है तो प्राइमरी ब्रेकिंग सिस्टम होता है जो कि नॉर्मल ऑपरेशन करते समय इक्विपमेंट का यूज किया जाता है। नॉर्मली जो अपन ब्रेक यूज करते हैं वो सर्विस ब्रेक हो गया। इमरजेंसी ब्रेक, अगर सर्विस ब्रेक अगर आपका फेल हो जाता है तो उस केस में ऑपरेटर जो है तो इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करता है। पार्किंग ब्रेक कब यूज होता है, जब आपका इक्विपमेंट स्टेशनरी होता है, ठीक है, खड़ा रख करके रखना है आपको अपनी मशीन को, तो उस केस में आप पार्किंग ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और बोलता है कि कम से कम एक ब्रेक ऐसा होना चाहिए कि जब सारी चीजें काम करना बंद कर दे तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए, ठीक है। इसको बोलते हैं स्प्रिंग अप्लाइड हाइड्रोलिकली रिलीज्ड, SAHR, ठीक है। ये फेल सेफ की कंडीशन में ये ब्रेक अपने आप ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब आपके ब्रेक्स इस प्रकार के होने चाहिए कि ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाए। अगर कैबिन का डोर जो है तो पूरी तरह से बंद नहीं है, ठीक है, अगर डोर है तो। दूसरा बोलता है कि इंजन ऑयल का प्रेशर कम हो रहा है, हाइड्रोलिक ब्रेक का प्रेशर कम हो रहा है, स्टेयरिंग कंट्रोल वाल्व में किसी प्रकार का फॉल्ट है, इंजन शटडाउन है, या फिर आपका जो ट्रांसमिशन है वो न्यूट्रल पोजीशन पर अपने आप आ जा रहा है, मतलब कि जो गियर और न्यूट्रल पोजीशन पर ऑटोमेटिकली आ जा रहा है, तो उस केस में आपके ब्रेक्स जो है तो अप्लाई हो जाना चाहिए। अब लगाते हैं वार्निंग डिवाइस। तो हमने इतनी सारी चीजें लगा ली अभी तक। सबसे पहले हमने देखा कंस्ट्रक्शन के बारे में, किस प्रकार का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, सब इनफ्लेमेबल नॉन इनफ्लेमेबल मटेरियल का बना होना चाहिए। अगर इनफ्लेमेबल मटेरियल का बना है तो उसके ऊपर नॉन इनफ्लेमेबल कवरिंग प्रोवाइड कराना है। दूसरा एर्गोनॉमिक डिजाइन की बात की, जिसमें कि ऑपरेटर केबिन में FOPS और ROPS दोनों चीज प्रोवाइड कराना है ताकि ऑपरेटर को प्रोटेक्ट किया जा सके, और इसी के साथ ही सीट बेल्ट वगैरह देना है, और नॉइस से प्रोटेक्शन के लिए जो परमिसेबल लिमिट है वो 8 घंटे का 85 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो PPE वगैरह प्रोवाइड कराना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड कराना है। इसी के साथ भी बोलता है कि जो डिस्प्ले कंट्रोल्स का डिस्प्ले सिस्टम है, कंट्रोल्स एंड डिस्प्ले सिस्टम है, उसमें आपको मार्किंग्स देनी है और गेजेस आराम से देख सके, इसके लिए आपको लाइटिंग भी प्रोवाइड करानी है, बिना कैप लैम्प को यूज करे ही वो देख सके, ठीक है। गार्ड्स और शील्ड्स की जब बात करते हैं तो यहाँ पर बोलता है कि हर एक होजस और पाइप्स में आपको गार्ड्स और शील्ड्स प्रोवाइड कराने हैं जहां से आपका फ्यूल या फिर ऑयल हॉट सरफेसेस पर बहकर जा सकता है, वहां पे आपको बकायदा गार्ड्स और शील्ड्स प्रोवाइड कराने हैं आपके इक्विपमेंट में, ताकि ऐसी जगह पे तो आपका ना ही जा सके ऑयल या फिर फ्यूल जहां पर मशीन का कोई ऐसा पार्ट है जिसका टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता हो, ठीक है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो सर्विस ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक, पार्किंग ब्रेक और इसके साथ ही SAHR ब्रेक जो है तो ये प्रोवाइड कराने हैं, ठीक। अब आती है, अब फिट करते हैं वार्निंग डिवाइस। वार्निंग डिवाइस में आपका बोलता है जितने भी डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं उन सभी में ऑडियो वार्निंग डिवाइस होना चाहिए जो कि एडिक्वेट ऑडिबल वार्निंग सिग्नल प्रोवाइड करे, ठीक है। अब एक वार्निंग डिवाइस आपको प्रोवाइड कराना है ऑपरेटर के केबिन में,
जब आपका क्या बोलते हैं जो रियर डंप बॉडी है वो एलिवेटेड रहे, जैसे कि डंपर्स में हो गया, जब उनका डंप बॉडी ऊपर रहता है तो उस केस में वहां पर वार्निंग डिवाइस टू टू बजना लगता है, ठीक है, ऑडिबल वार्निंग डिवाइस होता है। इन केस ऑफ लिफ्टिंग इक्विपमेंट, अगर लिफ्ट करने वाला इक्विपमेंट है जैसे क्रेन हो गया, तो ऑडियो वार्निंग डिवाइस लगा होना चाहिए ताकि लिफ्टिंग के समय और प्लेटफॉर्म को नीचे लाते समय वो टू टू की आवाज करता रहे लगातार, ठीक है। लाइटिंग की अगर बात करें, अच्छी हेडलाइट्स दे दो, हेडलाइट्स इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जहां भी आपका इक्विपमेंट काम कर रहा है तो इक्विपमेंट से 60 मीटर आगे तक जो है तो सामने का दिखाई देना चाहिए, इतनी दूर तक बकायदा हेडलाइट आपका केपेबल होना चाहिए बिना किसी रुकावट के 60 मीटर दूरी तक जो है तो आपको दिखा सके, ठीक है। केबिन में एक लाइट प्रोवाइड कराना है ताकि ऑपरेटर को जो है तो अपने कंट्रोल्स और इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह विजिबल होते रहे। कैप लैंप प्रोवाइड कराना है इमरजेंसी के लिए ऑपरेटर के केबिन में, और रेड रेट्रो रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टर्स लगे होने चाहिए इक्विपमेंट के 4 साइड में, ठीक है, अलग अलग सुटेबल पोजीशन। लाल वाली बत्ती मोटरसाइकिल में एक होती है, कार में दो होती है। फायर सप्रेशन सिस्टम, अब फायर को सप्रेस करने के लिए जितने भी डीजल ऑपरेटेड इक्विपमेंट है उनमें सुटेबल टाइप के ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम प्रोवाइड कराने हैं। फायर सिस्टम में, सप्रेशन सिस्टम में आपका क्या होना चाहिए, फायर अलार्म होना चाहिए, सिस्टम फॉल्ट इनिशिएटर होना चाहिए जो कि आपका देखा जा सके और सुना भी जा सके इक्विपमेंट के द्वारा, ठीक है। फायर सप्रेशन सिस्टम ऑटोमेटिक इंजन शटडाउन प्रोवाइड कराना चाहिए, मतलब कि फायर सप्रेशन सिस्टम आपका ऐसा होना चाहिए कि अगर कहीं भी आग लगती है तो ये तुरंत ही आपके इंजन को क्या कर देगा, और ऑटोमेटिकली शटडाउन कर देगा। इंजन शटडाउन होने पर समय याद रखिएगा, जैसे ही इंजन शटडाउन होता है और जो फायर आग बुझाने के लिए जो सप्रेसेंट एजेंट आता है, आग बुझाने के लिए जो चीज आ रही है, हो सकता है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है वो पानी हो सकता है वो नाइट्रोजन हो, इनके बीच का जो गैप होना चाहिए 15 सेकेंड से अधिक का नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही फायर अलार्म ऑपरेटर को क्या करता है, ऑपरेटर को अलर्ट करता है, तो इंजन शटडाउन और डिस्चार्ज और सप्रेजेंट एजेंट के बीच का जो टाइम गैप है वो 15 सेकेंड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, तुरंत ही डिस्चार्ज हो जाए सप्रेसेंट एजेंट। मैनुअल एक्चुएटर्स, एक्चुएटर्स एक्चुएटर्स क्या होते हैं, इंजन को स्टार्ट जैसी करते हैं तो उसको धक्का दे के स्टार्ट करने वाला एक छोटा सा डिवाइस होता है, कंपोनेंट होता है मशीन में, तो बोलता है कम से कम 2 मैनुअल एक्चुएटर्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपने देखा है ये मैनुअल एक्चुएटर्स आपने कहां पे देखा है, ऑटो में देखा होगा, ठीक है, जिसमें कि एक ऑटो आता है ना जबकि रस्सी बांध देते हैं और फिर उसको बहुत तेजी से खींचते हैं तो स्टार्ट हो जाते हैं ऑटो, ठीक है, वो मैनुअल एक्चुएटर्स हैं। दूसरा मैनुअल एक्चुएटर आपका देखा होगा ऑटो में, नीचे हैंडल रहता है उसको जोर से खींचते हैं तो उससे स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो 2-3 तरीके हैं इनको मैनुअल एक्चुएटर्स कहा जाता है, इंजन स्टार्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब मैनुअल एक्चुएटर्स की लोकेशन क्या है, हर एक उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट के दोनों एंड्स पे होना चाहिए, आगे और पीछे साइड, ठीक है। अब अगर ऑपरेटर कंपार्टमेंट है इक्विपमेंट में तो एक मैनुअल एक्चुएटर जो है कंपार्टमेंट में होना चाहिए ताकि ऑपरेटर आसानी से उसको पकड़ के अपना गाड़ी स्टार्ट कर सके, ठीक है। स्टेशनरी इक्विपमेंट के केस में 2 मैनुअल एक्चुएटर्स जो है तो आपको प्रोवाइड कराने हैं, एक जो है तो स्टेशनरी इक्विपमेंट पर एंड एटलीस्ट 1 एक्चुएटर एट अ सेफ डिस्टेंस अवे फ्रॉम द इक्विपमेंट, ठीक है, मतलब इक्विपमेंट से कुछ दूरी पर जो है तो अगला दूसरा एक्चुएटर प्रोवाइड कराना है जो कि एयर के इनटेक साइड में होना चाहिए। टू वॉच द कंप्लीट वीडियो डाउनलोड माइनिंग ज्ञान 2.0 ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर एंड एंजॉय सीमलेस लर्निंग विद माइनिंग ज्ञान 2.0।